गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी साहित्य का लोहा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है, जिनकी रचना जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रगान जनगण मन की धुन जितनी खूबसूरत है, इससे जुड़े हुए विवाद भी उतने ही पेचीदे हैं। इससे जुड़ा हुआ एक विवाद ये है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना अंग्रेजों के सम्मान में की थी। क्या वाकई ऐसा हुआ था, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार टेल्स। जनगण मन यदि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युक्कल भंग, सिंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दूसरे दिन का काम शुरू होने से पहले इसे गाया गया था। हालांकि अब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था, बल्कि एक कविता के तौर पर ही इसे देखा जाता था। इसी साल जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आए थे। शायद कोई राजनीतिक वजह रही होगी कि कांग्रेस ने उनका स्वागत किया था। हमारे हिंदुस्तान में रिवाज है कि सबसे पहले हम सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करते हैं और फिर किसी आयोजन की शुरुआत करते हैं। तो उस समय जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक कविता गाई गई थी और बात ये उठी कि इस कविता को किसी और ने नहीं बल्कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, क्योंकि गुरुदेव उस वक्त तक जाने पहचाने कवि बन चुके थे, इसलिए किसी का ध्यान रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़ कहीं और गया ही नहीं। सिंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। ब्रिटिश मीडिया में भी इस बात की चर्चा छिड़ी थी कि जॉर्ज पंचम के सम्मान में जो कविता गाई गई वो गुरुदेव ने लिखी थी, और तब से लेकर आज तक ये विवाद चला आ रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आरोप गुरुदेव की रचना जन गण मन पर लगा था, जबकि 1937 में इस बात को एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर मेरा दोस्त था, उसने मुझसे कहा कि ब्रिटिश सम्राट का गुणगान करते हुए एक कविता लिख मारो। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने जन गण मन में भारत भाग्य विधाता के बारे में लिखा था कि ये देश आदिकाल से अपना भाग्य खुद लिख रहा है। वो भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम तो कतई नहीं हो सकते। वो ब्रिटिश ऑफिसर मेरी बात समझ गया था। हालांकि गुरुदेव की इस सफाई के बाद भी बार बार इस पर सवाल उठता रहा। चिढ़कर 1939 में गुरुदेव ने फिर कहा था, जॉर्ज चौथा हो या पांचवा, मैं उसके बारे में क्यों लिखूंगा, इस बात का जवाब देना भी मेरा अपमान है। विवाद तो इतना बढ़ गया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। दरअसल जॉर्ज पंचम के सम्मान में जो कविता गाई गई थी उसके बोल थे, बादशाह हमारा, और इस कविता को बच्चों ने पढ़ा था। इस कविता को रामभू चौधरी ने लिखा था। उस समय उन्हें बहुत कम लोग जानते थे और ये वजह थी कि सबको यही लगा कि इस कविता को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो उस समय तक जाने माने कवि और साहित्यकार बन चुके थे। ब्रिटिश अखबारों में भी ये बात छप गई थी कि सम्राट की प्रशंसा में जो गीत गाया गया वो किसी और ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर अपना हर काम देश हित में करते थे। ये वाक्य सभी को पता ही होगा कि जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों का नरसंहार करवाया था, तो इसके बाद जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि गुरुदेव ने वापस कर दी थी। इसके अलावा टैगोर हमेशा से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारा राष्ट्रगान गुरुदेव के लिखे गाने का सिर्फ एक स्टेंजा है। ये गाना कुल 5 स्टेंजे का है। अगर आप गुरुदेव की ओरिजिनल रचना को देखें तो पता चलता है कि ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए है। हमारा राष्ट्रगान हमारे देश और हमारी ताकत को बखूबी दर्शाता है। इसके वास्तविक अर्थ को समझने की जरूरत है, तभी हम सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत,
नमस्कार।